बक कन्वर्टर, बक कन्वर्टर जो कि एक स्टेप डाउन या फिर बक रेगुलेटर होता है, ये स्टेप डाउन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, क्योंकि जो बूस्ट होता है वो इसके ऑपोजिट स्टेप अप फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये जो बक रेगुलेटर है वो यूज करता है SMPS को, स्विच मोड पावर सप्लाई टेक्निक को। ये स्टेप डाउन होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई को यूज करेगा, और इसका यूज बैटरी आइटम्स में किया जाता है, बैटरी पावर आइटम्स में किया जाता है, जो पावर कंजम्पशन सर्किट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। इसका जो फंडामेंटल सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए, स्विच कंट्रोल सर्किट, ये हमारा स्विच होगा, ये स्विच को कंट्रोल करता है। यहाँ से हमारी सप्लाई प्रोवाइड, डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डायोड जो कि इसके साथ अक्रॉस कनेक्टेड होती है, और इंडक्टर और कैपेसिटर जो कि इसका काम क्या होता है, फिल्टर करने का काम। जब स्विच ऑन कंडीशन में होता है तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज जो हमारी करंट होगा उसे स्टोर करेगा, और जब स्विच ऑफ होगा तो इंडक्टर उस एनर्जी को यूज करेगा, और ये दोनों मिलके इंडक्टर और कैपेसिटर फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। अब देखते हैं इसकी कंडीशंस। सबसे पहले अगर हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होता है, जब स्विच ऑन कंडीशन में होगा तो इनपुट से सप्लाई जाएगी, यहाँ से ए से सप्लाई जाएगी। ए से करंट फ्लो होता है जो कि इनपुट करंट होता है, जिसको आई इन से डिनोट करते हैं, ये जाता है इंडक्टर के थ्रू। इस टाइम इंडक्टर करंट को क्या करता है, स्टोर करता है, क्योंकि इनपुट से सप्लाई जाती है और इंडक्टर करंट इंक्रीज करता है, और ये जाता है फिर लोड की तरफ। लोड पे जो करंट होगा उसे बोलते हैं आउटपुट करंट। इसमें जो हम स्विच कंट्रोल सर्किट, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्विच कंट्रोल सर्किट लगाते हैं इसके साथ, जो कि हमने अभी अभी देखा था। ये जो स्विच कंट्रोल सर्किट होता है इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू, PWM के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और जब तक स्विच ऑन रहता है ज्यादा करंट जाता है लोड की तरफ, और एक इंडक्टर इस टाइम पे क्या करता है, एनर्जी को यानी कि जो हमारे करंट है उसे स्टोर करता है। इस टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं करता, डायोड रिवर्स कंडीशन में रहता है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का डिफरेंस होती है, यानी वी इन माइनस वी आउट, जो भी वोल्टेज अपीयर होगी इंडक्टर के अक्रॉस, और जो करंट होगा इंडक्टर का वो भी इंक्रीज करेगा, करंट राइज करता है इंडक्टर के अक्रॉस, जो कि इसको हम डिनोट करते हैं वी इन माइनस वी आउट अपॉन एल से। डायोड इस टाइम पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर स्विच क्या हो जाए, ऑफ हो जाए, तो इंडक्टर ने जो एनर्जी स्टोर करके रखी थी जब स्विच ऑन कंडीशन में था, इंडक्टर उस एनर्जी को यूज करेगा, यानी कि जब हमारी लाइट चली जाती है तो जो बैटरी स्टोर करके रखते हैं जिस करंट को, उस करंट को हम यूज करते हैं अपने फैंस को ऑन करने के लिए, और जब लाइट आती है तो वो क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है और बैटरी फिर से चार्ज करना स्टार्ट करती है। सेम वैसे ही इंडक्टर पे जो करंट स्टोर होगा वो करंट फ्लो होगा लोड की तरफ, आउटपुट करंट, और लोड से जाएगा वो करंट डायोड की तरफ। अब डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और डायोड पे जो करंट फ्लो होगा उसे आई डी से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा, डायोड पे जो भी करंट फ्लो होगा वो आउटपुट करंट के इक्वल होगा, यानी जो भी इंडक्टर से आउटपुट पर करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डायोड पे जाएगा, इसको आई डी से डिनोट करेंगे, ये लूप में करंट फ्लो होगा। और इस टाइम पे जो करंट होता है इंडक्टर के अक्रॉस, वो करंट उसको हम डिनोट करते हैं माइनस वी आउट अपॉन एल के। अब देखते हैं हम इसकी वेव फॉर्म्स। ये जैसे कि हम जानते हैं ये स्टेप डाउन होता है जो बक कन्वर्टर होता है। अब इसकी जो साइकिल्स होती हैं, वेव साइकिल्स होती हैं, उसे हम देखेंगे। सबसे पहले जो आउटपुट वोल्टेज होगी, देखिए जो ये जो वोल्टेज, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज शो करती है, ये जो वोल्टेज होगी ये हमारी सोर्स होगी। जब हम सोर्स से सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जब तक सोर्स से सप्लाई जाती है वो टी ऑन, टर्न ऑन टाइम, स्विच का टर्न ऑन टाइम शो करता है। जैसे ही सप्लाई जीरो होती है तो ये टी ऑफ, स्विच का ऑफ टाइम है। फिर से जब सप्लाई जाती है तो फिर टी ऑन टाइम, ये अगेन टी ऑफ टाइम को शो करता है। इस टाइम पे जो इंडक्टर का करंट होगा वो क्या होगा,
जब स्विच ऑन कंडीशन में होगा तो इंडक्टर क्या करेगा, जो हमारा करंट है उसे स्टोर करेगा, तो इंडक्टर का करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट तक। देखिए ये जीरो नहीं होता है क्योंकि इंडक्टर करंट जीरो नहीं होता है, मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट तक चार्ज करेगी, लेकिन जैसे ही सोर्स करंट जीरो होगा ये मैक्सिमम से मिनिमम तक अगेन डिस्चार्ज करेगा। जब स्विच अगेन ऑन होगा तो ये फिर से इंक्रीज करेगा और ऑफ होगा फिर से डिक्रीज करेगा, इसी तरह से। देख इंडक्टर करंट जीरो नहीं होता है, और जब इंडक्टर करंट इंक्रीज करता है यानी इंडक्टर चार्ज को हमारे करंट को स्टोर करता है, तो उस टाइम पर जो स्लोप होगा वो शो करेगा वी इन माइनस वी आउट अपॉन एल, और जब करंट डिक्रीज करता है वो शो करता है माइनस वी आउट अपॉन एल को, जो कि हमने किया था, ये हमारा स्लोप शो करेगा। इस टाइम पे डायोड करंट क्या होगा, देखिए डायोड करंट हमारा इस तरह से फ्लो होगा, जब इंडक्टर जब इनपुट से सप्लाई होती है तब डायोड वर्क नहीं करता, लेकिन जब सप्लाई नहीं होती इनपुट पे तो इंडक्टर करंट डिक्रीज होता है और डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में आता है, यानी जब मैक्सिमम से मिनिमम तक इंडक्टर करंट डिक्रीज करेगा तो डायोड करंट के डायोड के अक्रॉस भी करंट फ्लो होगा, और जितना आउटपुट पे करंट फ्लो होगा उतना ही डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, यानी कि इस पॉइंट से क्या करेगा डायोड करंट डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा जैसे ही इंडक्टर करंट डिक्रीज करेगा उसी के साथ, और जैसे ही इनपुट से सप्लाई जाएगी डायोड करंट अगेन जीरो हो जाएगा, और जब सप्लाई क्या होगी ऑफ हो जाएगी इनपुट से तो डायोड से अगेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इनपुट करंट होता है, देखिए ये है इनपुट करंट जब ऑन टाइम है और ये ऑफ टाइम है, तो इस टाइम में क्या होगा इनपुट पे करंट फ्लो होगा, तो हमारा इनपुट करंट इस टाइम पे इंक्रीज करेगा, और जब स्विच ऑफ होगा तो इनपुट करंट क्या हो जाएगा जीरो, अगेन स्विच ऑन हुआ तो इनपुट करंट अगेन इंक्रीज किया इस ड्यूरेशन में, और जैसे ही स्विच ऑफ हुआ इनपुट करंट अगेन जीरो हो गया। इस तरह से ये क्या करता है वर्क करता है, और ये है हमारा बक कन्वर्टर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।